ओम शांति। 28 जून 2022। मीठे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बेहद के बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर ज़रूर चलना है। प्रश्न, तुम बच्चे कौन सी तैयारी कर रहे हो? तुम्हारा प्लान क्या है? उत्तर, तुम अमर लोक में जाने के लिए तैयारी कर रहे हो। तुम्हारा प्लान है भारत को स्वर्ग बनाने का। तुम अपने ही तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगे हो। तुम बाप के साथ पूरे मददगार हो। अहिंसा के बल से तुम्हारी नई राजधानी स्थापन हो रही है। मनुष्य तो विनाश के लिए प्लान बनाते रहते हैं। गीत, माता ओ माता, तुम सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यह महिमा किसकी सुनी? दो माताओं की। एक तो बाप की महिमा होती है, तुम मात पिता। निराकार की भी ऐसी महिमा होती है, तुम मात पिता। क्योंकि पिता है तो माता भी ज़रूर होगी। तुम जानते हो, परमपिता परमात्मा को जब सृष्टि रचनी होती है तो माता ज़रूर चाहिए। बाप को तो आना ही है कोई साधारण तन में। शिव जयंती व शिवरात्रि गाई जाती है, ज़रूर परमपिता परमात्मा अवतार लेते हैं। किस लिए? नई रचना रचने के लिए, पुरानी रचना का विनाश करने के लिए। ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचनी है। लौकिक बाप भी हद का ब्रह्मा है, वह अपनी स्त्री द्वारा हद की रचना रचते हैं, तो उनको बच्चे ही मात पिता कहेंगे। सभी तो नहीं कहेंगे तुम मात पिता हम बालक तेरे, क्योंकि यह तो बहुत बच्चों का क्वेश्चन है। प्रजापिता ब्रह्मा को हैं ढेर बच्चे, तो ज़रूर ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण कुल अथवा ब्राह्मण वर्ण बेहद के बाप ने रचा होगा। उनकी हुई मुख की पैदाइश, उस माँ बाप की होती है कुख की पैदाइश। वह यह महिमा कर नहीं सकेंगे। यह महिमा है ही बेहद के माँ बाप की। तुम मात पिता, आपने आकर हमको अपना बनाया है। बस आपसे हमको स्वर्ग के 21 जन्म सुख घनेरे मिलते हैं। तो ब्रह्मा मुख द्वारा तुम शिव बाबा के पोतरे पोतरियां हो गए। ब्रह्मा की मुख वंशावली जगत अम्बा सरस्वती बनती है। भारत में गाते हैं तुम मात पिता, तो ज़रूर जगत अम्बा जगत पिता चाहिए। उनके मुख द्वारा ही तुम धर्म के बच्चे बने हो। वर्षा तुमको शिव बाबा से मिलता है, इस ब्रह्मा से नहीं। जिसमें प्रवेश हुआ, जिसको माँ कहा जाता है, माँ से वर्षा नहीं मिलता है। वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। तुमको भी वर्षा बेहद के बाप से मिल रहा है। भक्ति मार्ग में जो गायन होता आया है, तो ज़रूर फिर उनको आना ही पड़े। बच्चे बहुत दुखी हैं। दुख धाम के बाद सुख धाम आना है। सत्युग में है सतो प्रधान सुख, फिर त्रेता में कुछ कम, दो कला कम कहेंगे। द्वापर कलयुग में उससे कम होता जाता है। अब इस चक्र को तो फिरना ही है। बच्चे जानते हैं, बेहद का बाप ही स्वर्ग की रचना रचते हैं। उनको ज़रूर पहले सूक्ष्म वतन रचना पड़े, क्योंकि ब्रह्मा तो ज़रूर चाहिए। ब्रह्मा को भी शिव बाबा एडॉप्ट करते हैं, कहते हैं तुम मेरे हो। यह भी कहता है, बाबा मैं आपका हूँ। तो ब्रह्मा वर्ल्ड शिव हो गया। शिव बाबा के तीन बच्चे, तीनों की बायोग्राफी बतलाते हैं। ये व्यक्त ब्रह्मा फिर अव्यक्त बनता है। तुम भी व्यक्त ब्रह्मा की औलाद फिर अव्यक्त औलाद बनते हो। यह बड़ी गुहे बातें हैं। परमपिता परमात्मा विश्व का रचयिता है। पहले पहले रचता है स्वर्ग। बाप से वर्षा तो स्वर्ग का मिलना चाहिए ना। अभी हम नर्क में हैं। वर्षा तो ज़रूर तब दिया होगा जब हमको रचा होगा। बाप कहते हैं अभी हम रच रहा हूँ,
5000 वर्ष पहले भी मैंने ऐसे ही आकर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल को रचा था। यह जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है उनकी ब्राह्मण ही संभाल कर सकते हैं। तो यह हुए ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। उन ब्राह्मणों को कहेंगे कुक वंशावली ब्राह्मण, ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। तो अब तुम बच्चे हो ब्रह्मा के मुख वंशावली। पहले ज़रूर ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मण कहाँ से कन्वर्ट किए? शूद्र वर्ण यहाँ पर है, तुम बच्चों को अब ब्राह्मण वर्ण में लाया। पैर से फिर चोटी ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनना है। यह वर्ण आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों के लिए ही हैं, और धर्म वालों के लिए वर्ण नहीं है। 21 जन्म तुम देवता वर्ण में रहते हो। ब्राह्मण वर्ण का यह एक जन्म या डेढ़ भी हो सकता है, क्योंकि जो बच्चे संस्कार ले शरीर छोड़ जाते हैं फिर आकर ज्ञान ले सकते हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चे, अगर स्वर्ग का मालिक बनना है तो पवित्र ज़रूर बनना है। 63 जन्म तुमने गोते खाए हैं, अब तुम वहाँ दुख में हो। सारे भारत का क्वेश्चन है ना, ऐसे नहीं कि अब सारा भारत सुखी है। हाँ, भारत में धनवान बहुत हैं। देखो, एक आया था, भल करोड़पति था परंतु टांग बाहर नहीं चलती थी, तो दुख हुआ ना। दुनिया में एक भी दुख वाला है तो ज़रूर दुख धाम कहेंगे। सत्युग में एक भी दुखी नहीं होता। भारत सुख धाम था, किसने स्वर्ग को रचा? बाप ने। हम बच्चे हकदार हैं। 5000 वर्ष पहले भी हम स्वर्ग में ज़रूर थे। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले गीता सुनाने आए, तो 5000 वर्ष का टाइम हुआ ना। 2000 वर्ष क्राइस्ट के और 3000 वर्ष उनके आगे, तो अब गीता सुनाने आया है ना, बरोबर देवता धर्म भी प्रायलोप है। तुम बच्चे हो पांडव, जिन्हों का सहायक है गीता का भगवान, वह है निराकार। शास्त्रों में भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ, वास्तव में है शिवरात्रि, शिव जयंती। रुद्र जयंती व रुद्र रात्रि नहीं कहते, शिवरात्रि क्यों कहते हैं? अभी बेहद की रात्रि, घोर अंधियारा है ना। बाप कहते हैं मैं आता हूँ बेहद की रात के समय। अब दिन होने वाला है, मेरा जन्म प्राकृतिक मनुष्यों सदृश नहीं होता है। कृष्ण ने तो माँ के गर्भ महल से जन्म लिया। अब तुम बच्चे जानते हो उस मात पिता से स्वर्ग के सुख घनेरे मिल रहे हैं। दुनिया तो जानती नहीं कि स्वर्ग और नर्क किस चिड़िया का नाम है। अब तुम यहाँ पढ़ने आए हो, श्रीमत पर चलते हो। श्रीमत पर चलने से तुम स्वर्ग के श्री लक्ष्मी नारायण बनते हो। सत्युग के मालिक हैं तो ज़रूर कलयुग के अंत में उनका 84वां अंतिम जन्म होगा, तब राजयोग सीखे होंगे। सिर्फ एक तो नहीं, सारा सूर्यवंशी घराना राजयोग सीखता है। जो आकर बेहद के बाप से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य का वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते हैं अब तुम मुझसे पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, क्योंकि मैं पवित्र दुनिया की स्थापना करता हूँ। 63 जन्म तुम पतित बनते आए, इसलिए दुखी हुए हो। स्वर्ग में तो बहुत सुखी थे। यह भारत जो कौड़ी मिसल है फिर हीरे मिसल बनेगा। यह एक ही बाप है जो कहते हैं मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाने आया हूँ। बेहद का बाप कहते हैं तुम यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। इस माँ बाप से तुमको अमृत पीना है, विष पीना छोड़ना है। काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठो। श्रीमत तुमको मिलती है। जिनको वर्षा लेने का निश्चय नहीं है वह कहते बाबा विष छोड़ना तो बड़ी मुसीबत है। अरे, तुमको 21 जन्म सुख की प्राप्ति होती है, उसके लिए तुम यह नहीं छोड़ सकते हो। भक्ति जप तप आदि करने से हद का सुख मिलता है। बेहद का सुख बेहद के बाप से मिलता है। बाप कहते हैं मैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, क्योंकि शिव बाबा को न जानने के कारण सदगति को कोई भी नहीं पाते हैं।
वापस घर में भी कोई जा नहीं सकते। अगर बाप के घर का रास्ता जानते तो वहाँ आमे जामे ना, सभी को पुनर्जन्म लेना ही है, सतो रजो तमो में आना ही है। अभी तो है झूठी माया झूठी काया, जिसने धर्म स्थापन किया उसके नाम पर ही शास्त्र निकलते हैं, जिसको धर्म शास्त्र कहते हैं। क्राइस्ट ने आकर क्या किया? खुद आया, उनके पिछाड़ी उनके घराने की आत्माओं को आना है, वृद्धि होनी है। अब देखो क्रिश्चियन बनाते जाते हैं, बहुत करके हिंदू धर्म वालों को कन्वर्ट करते जाते हैं, उनको अपने धर्म का पता ही नहीं है। अभी तुम जानते हो हम देवता वर्ण में जाएंगे, कृष्ण की आत्मा भी अब पढ़ रही है, परंतु संगम होने के कारण मिक्स कर दिया है। ये चित्र आदि जो भी हैं सभी हैं भक्ति मार्ग की सामग्री। ज्ञान सागर तो परमपिता परमात्मा है, उन द्वारा सबकी सदगति होनी है। सतयुग में तो थोड़े होंगे, बाकी सब हिसाब किताब चुक तू कर मुक्ति धाम में चले जाएंगे, उनको शांति तुमको सुख मिलेगा। अभी तुम पढ़ते हो सुख घनेरे लेने के लिए, जिनका पाठ है वही कल्प कल्प पुरुषार्थ करते हैं, जो ब्राह्मण बनेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे, परंतु नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। अब देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है, जो कल्प पहले आए होंगे वही आएंगे। ड्रामा तुमसे पुरुषार्थ भी ज़रूर कराएगा। इस समय सब पत्थर बुद्धि हैं, पारस बुद्धि होते हैं सतयुग में, वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि हैं। अब तुम पांडव सेना हो, तुम बाप की मदद से स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हो, तुम स्वर्ग का प्लान बना रहे हो, अमर लोग जाने की तैयारी कर रहे हो। बाकी जो सब प्लान बना रहे हैं वे अपने ही विनाश के लिए, तुम हो अहिंसक, वह सब हैं हिंसक। हिंसक आपस में ही लड़कर खत्म होते हैं, फिर जय जयकार हो जाएगा। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा अनुसार जो कल्प पहले आए थे वही वृद्धि को पाते रहते हैं। कोई तो बाप के बनकर फिर फारकती दे देते हैं, बाप कहते हैं अगर तुम श्रीमत पर चलेंगे तो सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनेंगे। यहाँ तो मेहनत की बात है, बल वे बहुत ढंग से शास्त्रों की कथाएं सुनाते हैं, सो तो सुनते आए, सुनते सुनते नरकवासी होते गए, कलाएं कमती होती गईं। भल कहते हैं पति ही ईश्वर है, फिर भी गुरु करते हैं, कला कमती होती है ना। सृष्टि को तमो प्रधान बनना ही है। बाप आत्माओं से बात करते हैं, बाप कहते हैं मीठे बच्चे अब तुम्हारे 84 जन पूरे हुए, अब देही अभिमानी भव, माँ में कम याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल भी करनी है, और साथ साथ जैसे व्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त बनता है ऐसे अव्यक्त बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट, 21 जन्मों तक सुखी बनने के लिए इस एक जन्म में बाप से पावन रहने की प्रतिज्ञा करनी है, काम चिता को छोड़ ज्ञान चिता पर बैठना है, श्रीमत पर जरूर चलना है। वरदान, सतगुरु द्वारा प्राप्त हुए महामंत्र की चाबी से सर्व प्राप्ति संपन्न भव। सतगुरु द्वारा जन्मते ही पहला पहला महामंत्र मिला, पवित्र बनो योगी बनो, यह महामंत्र ही सर्व प्राप्तियों की चाबी है। अगर पवित्रता नहीं योगी जीवन नहीं तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकते, इसलिए यह महामंत्र सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। ऐसी चाबी का महामंत्र सद्गुरु द्वारा
जो श्रेष्ठ भाग्य में मिला है उसे स्मृति में रख सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। स्लोगन, संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी है, संगठन के महत्व को जानकर महान बनो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि सृष्टि की आदि कैसे हुई। वो तो इतना ही जानते हैं कि सृष्टि की आदि हमारे धर्म से ही हुई है। इब्राहिम वाले, इस्लाम वाले कहेंगे हमारे धर्म से सृष्टि शुरू हुई। क्रिश्चियन फिर अपने समय पर आदि समझते हैं, बौद्धी फिर अपने धर्म से आदि समझते हैं, और मुस्लिम कहेंगे हमारे धर्म से आदि हुई है, और भारतवासी फिर अपने धर्म से आदि समझते हैं। फिर दिखलाते हैं सृष्टि के आदि में आदमी कैसे बनाए हैं। शुरू में पहले हड्डियों से आदमी बनाया गया। फिर ऐसे दिखलाते हैं कि पहले हवा थी, फिर उनसे श्वास बनाया गया, फिर लंग्स बनाई, फिर मनुष्य बना। ऐसे ही पहला आदमी बना, बाद में सारी सृष्टि पैदा हुई। वास्तव में परमात्मा तो अनादि है, तो यह सृष्टि भी अनादि है। उस अनादि सृष्टि की आदि भी परमात्मा द्वारा ही हुई। देखो, गीता में है भगवानुवाच, जब मैं आता हूँ तो आसुरी दुनिया का विनाश कर दैवी दुनिया की स्थापना करता हूँ, अर्थात कलयुगी तमोगुणी अपवित्र आत्माओं को पवित्र बनाता हूँ। तो पहले परमात्मा ने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीन रूप रचे, फिर ब्रह्मा और सरस्वती द्वारा दैवी दुनिया की स्थापना की। तो गोया सृष्टि की आदि ब्रह्मा से शुरू हुई, जिस ब्रह्मा को क्रिश्चियन एडम और सरस्वती को ईव कहते हैं, और मुस्लिम में फिर डाडा, आदम, बीबी कहते हैं। अब वास्तव में यथार्थ बात यह है, परंतु इस राज को न जानने के कारण एक ही ब्रह्मा को अलग अलग नाम दे दिए हैं। जैसे परमात्मा को कोई गॉड कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, परंतु परमात्मा तो एक ठहरा। यह सिर्फ भाषा का फर्क है। अच्छा, ओ शांति।